global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. Interaction has just started with him. I've just started working with him and started workshops with him. And so far, he's a brilliant person. He's a brilliant human being, and I'm learning a lot from him. And his earlier play was a smash. So for this, I'm pretty excited. Hopefully, I'll be thrilled and I'll be at the edge of my seat. I love it because it's a different experience altogether, because the medium of theatre and the medium of film, they're two different mediums. Over here, the person has to project his voice to reach towards the end. So the emotion has to transverse to the last person over there. So I would say a theatre is more difficult, and they're both different mediums. So I love watching plays. Do you feel makes a very good actor also? Like? No, it is. It is very important. It's very important because you need to have no inhibitions and you need to open up. So over here you kind of open up and it tests you to the limits and it pushes you to be a better actor and try to get better and better. Are you positive now? I'm positive, I'm here, I'm smiling, I'm all good, man. just looking at scripts, listening to stuff, so hopefully something good comes my way and you all will see me soon. Thank you. This is the first question. How excited are you? You're a girl or a girl? जो यार बहुत ही अकम्पलिश फिरोज भाई, एक मशहूर व मारूफ और अपने फ़न में बहुत ही माहिर एक डायरेक्टर हैं, और जो जिस तरह से ख़ास तौर पे पिछला जो उनका प्ले अपना मुग़ल आज़म जो अडेप्ट किया था उन्होंने, और अब ये एक रोमियो और जूलियट का अडेप्टेशन है, और ऑब्वियसली क्रिएटिवली एक उतावलापन होता है कि देखें कि एक शख्स किसे ट्रांसफॉर्म करेगा इस आर्ट फॉर्म को इस जबान में. सो डेफिनेटली इट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड. ऑब्वियसली थिएटर इज लाइव परफॉर्मेंस, देयर नो रीटेक्स, इट वन शॉट. आर्टिस्ट की एक प्रोफिशिएंसी होती है कि एक डेढ़ दो घंटे में कंटिन्यूसली इतने इमोशंस को होल्ड करना, ऑडियंस के साथ एक कहानी को लेके चलना, एक अलग आर्ट फॉर्म है. ऑब्वियसली उसका एक चार्म अलग है, फिल्म का एक चार्म अलग है, वेब सीरीज का एक चार्म अलग है. सो एज लॉन्ग एज चार्म रहे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और जिंदा रहे, आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट. रौनक और जस्सी की म्यूजिकल रोमांटिक कहानी, वो भी फिरोज के हाथों, तो उम्मीद बहुत है और वो उम्मीद पर हमेशा खड़े उतरते हैं. आई एम हियर एज ए फ्रेटर्निटी, दोस्त की तरह से हूँ, बहुत विश करने आई हूँ और सीखने आई हूँ. आई एम एक्साइटेड. क्यों? पहले थिएटर है, बाद में फिल्म है. जो व्यक्ति थिएटर में बड़ा अच्छा एक्टर होता है, वो फिल्म में फिर नसीरुद्दीन शाह और शबाना और ओमपुरी की तरह आगे बढ़ते रहते हैं.
टेक्निकली हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, फिर भी मैं कहूँगी कि फिरोज ने वो कर दिखाया है जो रंगमंच कर सकता है, कि कॉमर्शियल और म्यूजिकल संसाधन कम होने के बावजूद भी उसने ब्रॉडवे की तरह से यहाँ पे हमें दिए हैं बहुत सारे शोज। तो मुगल आजम की बात ये जी आप भी प्ले करते हो अभी भी, लाइक यू आर एक्टिव इन दैट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हां दैट्स वन थिंग, हाउ मच डू यू एंजॉय, लाइक होती है और प्ले होते हैं तो क्या एंजॉय करते हो? फिल्म पैसा देता है और थिएटर एक जिंदगी देता है, एक अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है। मैं तो चाहूंगी मैं थिएटर पे मरूं, नथिंग लाइक थिएटर। 3 घंटे आप एक पात्र को निभाते हैं। अभी जनवरी में हमारा फेस्टिवल होने वाला है, एक साथ मैं 6 दिन तक अलग अलग रोल करूंगी, तो थिएटर इज अ चैलेंज। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।